गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बजट के बाद आम जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में प्रमुख सब्जियों के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आलू की खुदरा कीमत सालाना आधार पर 33% बढ़ चुकी है। अभी आलू 20 रुपये किलो की दर से बिक रहा है। प्याज की खुदरा कीमत में 20% और टमाटर की खुदरा कीमत में 50% की बढ़ोतरी हुई है। प्याज और टमाटर वर्तमान में 30 रुपये किलो की दर से बिक रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में टमाटर और आलू जैसी सब्जियों की कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। टमाटर, आलू और प्याज का खाद्य महंगाई दर में 1% हिस्सा है। ऐसे में अगर इन सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर खाद्य महंगाई पर दिखेगा। नई फसल आने और म्यांमार से आयात जारी रहने के बावजूद पिछले एक महीने में तुअर दाल की थोक कीमत 5% बढ़ चुकी है। देश में इस बार तुअर दाल का रकबा कम होने और लगातार दूसरे साल उत्पादन में गिरावट आने से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। 2023 में 200 रुपये प्रति किलो पर पहुंची तुअर की खुदरा कीमत अब एक बार फिर बढ़ने लगी है। दाल का आयात खोलने, स्टॉक सीमा पर सरकार की कड़ी निगरानी और सब्सिडी वाली भारत चना दाल की बिक्री जैसे मूल्य नियंत्रण उपायों के कारण दिसंबर में तुअर दाल की कीमत में 5 से 10% की गिरावट आई है, लेकिन अब फिर से तुअर दाल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अब खबर एनपीएस से जुड़ी हुई। पेंशन नियामक पीएफआरडीए न्यू पेंशन सिस्टम को लोकप्रिय बनाने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पीएफआरडीए इस योजना के तहत एनपीएस और अटल पेंशन योजना के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क बनाएगा। इससे नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना जैसी नई पेंशन योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी और सुझाव लोगों तक आसानी से पहुंचेंगे। हेल्प डेस्क पर सब्सक्राइबर्स की शिकायतों को भी दूर किया जाएगा। पीएफआरडीए का मानना है कि हेल्पलाइन शुरू होने से सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उनके लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है। अब सरकारी महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकेंगी। सरकार ने सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 में बदलाव किया है। इससे अब महिला कर्मचारी अपने पति की जगह बेटे या बेटी को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकेंगी। सरकार के इस फैसले का असर सामाजिक स्तर पर दिखेगा। अब तक महिला कर्मचारी अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत वो अपने बच्चों को भी फैमिली पेंशन में नॉमिनेट कर सकती हैं। रिलायंस जियो ने केंद्र सरकार से 2G और 3G नेटवर्क बंद करने की मांग की है। जियो के सभी ग्राहक 4G और 5G सेवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2G और 3G नंबर से संपर्क की सुविधा देने के लिए जियो को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना पड़ रहा है। इस वजह से कंपनी का खर्च बढ़ रहा है। इस खर्च को कम करने के लिए जियो ने 2G और 3G सेवा को बंद करने की मांग की है। जियो का मानना है कि इस पहल से नेटवर्क संबंधी बेकार लागत में कटौती होगी, साथ ही 5G इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस जियो की इस मांग का वोडाफोन आइडिया ने भी समर्थन किया है। LIC के IPO में निवेश करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। लिस्टिंग के करीब 21 महीने बाद LIC का स्टॉक अपने इशू प्राइस के लेवल को पार कर गया है। LIC के शेयरों में 30 जनवरी को 4% से ज्यादा का उछाल आया। LIC का शेयर करीब 17 रुपये की तेजी के साथ 933 रुपये पर बंद हुआ। इंट्राडे कारोबार में इसने 954.85 रुपये का लेवल छुआ। LIC का IPO 902 से 949 रुपये प्रति शेयर के भाव पर मई 2022 में आया था। BSE पर LIC के शेयर की लिस्टिंग 8.62% डिस्काउंट पर 867 रुपये पर हुई थी। तब से निवेशक शेयर में तेजी आने का इंतजार कर रहे थे। जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसी साल सितंबर से उड़ानों का परिचालन शुरू हो सकता है। जेवर हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अब तक 7100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हवाई अड्डे का पहला चरण 1300 हेक्टेयर में विकसित हो रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का परिचालन करने वाली एयरलाइंस को एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बहुत कम टैक्स देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ATF पर वैट की दर घटाकर 1% कर दी है, जबकि दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में वैट की दर 25% है। एयरलाइंस कंपनियों का 40% खर्च ATF पर ही होता है। ऐसे में नए हवाई अड्डों से ज्यादा उड़ानों का परिचालन होने की संभावना है। देश के करीब 75 करोड़ मोबाइल यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है। साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक ने दावा किया है कि डार्क वेब पर 75 करोड़ भारतीय मोबाइल यूजर्स की जानकारी बेची जा रही है।
इस खबर के बाद दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम का सुरक्षा ऑडिटर कराने का निर्देश दिया है। बिक्री के लिए उपलब्ध आंकड़ों के लीक होने से व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए जोखिम है। डार्क वेब पर भारतीय यूजर्स का पूरा डेटा $3,000 में बिक रहा है। शेयर बाजार में कारोबार के घंटे बढ़ाने से सेवी प्रमुख ने इनकार कर दिया है। सेवी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने कहा कि कारोबार का समय बढ़ाने के लिए ब्रोकर्स के बीच मतभेद हैं। 24 घंटे कारोबार चलाने पर अब तक कोई भी राय नहीं बनी है। बुच ने कहा कि कारोबार के घंटे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि बाजार का बुनियादी ढांचा मजबूत बना रहे। इसके लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने और अन्य महत्वपूर्ण चीजों से निपटने की भी जरूरत होगी। दुनिया भर के बदनाम बाजारों की लिस्ट में भारत के बाजार भी शामिल हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बदनाम बाजारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भारत के 3 ऑनलाइन और 3 ऑफलाइन बाजार शामिल हैं। ऑफलाइन बाजारों में नई दिल्ली का करोर बाग, मुंबई का हीरा पन्ना और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट शामिल है। वहीं ऑनलाइन बाजारों में इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज और WHMCS स्मार्टर्स शामिल हैं। ये सभी ऐसे बाजार हैं जो बड़े पैमाने पर ट्रेडमार्क जालसाजी या कॉपीराइट चोरी में शामिल हैं और इन्हें बढ़ावा देते हैं। नकली और जालसाजी वाली वस्तुओं का कारोबार श्रमिकों, उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।